आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ ट्रांसफार्मर का सिलेक्शन किस तरह से किया जाता है। यानी कि अगर कोई एक कंपनी बैठ रही है तो उस कंपनी में हमें जो है एक ट्रांसफार्मर लगाना पड़ता है, तो कितने रेटेड का, आखिर कितने के बी का ट्रांसफार्मर लगाना है, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से और इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या फिर आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ गाइस कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से ट्रांसफार्मर का सिलेक्शन किया जाता है। ट्रांसफार्मर के सिलेक्शन करने के लिए कुछ डेटा जो है आपके पास होना चाहिए। सबसे पहला डेटा आपके पास होना चाहिए, आप जिस प्लांट के लिए ट्रांसफार्मर का सिलेक्शन कर रहे हो उस प्लांट में टोटल कितना इंस्टॉल्ड लोड है। दूसरा, जब आपका प्लांट रनिंग चलेगा उस टाइम आपके प्लांट में कितना लोड रनिंग रहेगा। तीसरा, डाइवर्सिटी फैक्टर, और चौथा, फाइनल लोड। आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे, मैं थोड़ा आसान भाषा में इस चीज़ को आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मैं अपने प्लांट का एग्जांपल लेता हूँ जिससे आप बहुत आसान तरीके से इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो मेरे प्लांट में टोटल इंस्टॉल्ड लोड, यानी कि आप जितने भी लोड है वो रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड तीनों मिला करके जो है 5000 किलोवाट का होता है। अब दूसरा जो लोड है वो है रनिंग लोड। जब हमारा प्लांट रन हो रहा होता है उस टाइम हमारे प्लांट का टोटल रनिंग लोड होता है 4800 किलोवाट। तो दूसरा निकल गया टोटल रनिंग लोड। तो तीसरा डेटा है वो है डाइवर्सिटी फैक्टर। तो गाइज, मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था 2 दिन पहले कि डाइवर्सिटी फैक्टर क्या है और पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर किया हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पर मैं लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो जा करके देख लीजिएगा, जिससे कि आपका सारा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ डाइवर्सिटी फैक्टर क्या है। डाइवर्सिटी फैक्टर का मतलब हो गया, ये एक रेशियो है हमारे टोटल इंस्टॉल्ड लोड और हमारे टोटल रनिंग लोड के बीच में। तो जैसे कि मैं अगर अपने प्लांट का एग्जांपल लूँ तो हमारे प्लांट में टोटल इंस्टॉल्ड लोड 5000 है और टोटल रनिंग लोड 4800 है। अब इस दोनों को अगर मैं रेशियो निकालता हूँ तो मेरे पास आता है 1.04। तो हमारे पास डाइवर्सिटी फैक्टर भी निकल के आ गया। अब जो चौथा यानी कि लास्ट डेटा है वो है फाइनल लोड कितना है, इस चीज़ को निकालने को रहता है। तो फाइनल लोड निकालने के लिए हमें टोटल इंस्टॉल्ड लोड से ये डाइवर्सिटी फैक्टर जो हमारा निकला है 1.04, इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा टोटल इंस्टॉल्ड लोड है वो है 5000 और हमारा जो डाइवर्सिटी फैक्टर निकला है 1.04, इसे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 5200 किलोवाट। अब गाइस, ये 5200 जो किलोवाट आया है, लेकिन हम अगर ट्रांसफार्मर का रेटिंग लेते हैं तो उस जगह में हमें जो है केवीए में निकालना पड़ता है, यानी कि हमें कितने केवीए का ट्रांसफार्मर चाहिए, कभी भी वो किलोवाट में नहीं होता है। तो ये ट्रांसफार्मर का रेटिंग केवीए में क्यों होता है, अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो हमारे पास आया है 5200 किलोवाट, इस किलोवाट को केवीए में किस तरह से चेंज करना है। तो पावर फैक्टर का एक फॉर्मूला होता है, पावर फैक्टर इक्वल टू किलोवाट बाय केवीए। तो इस जगह में पावर फैक्टर को जो है 0.85 आप मान सकते हैं। और पावर फैक्टर का एक फैक्ट बता देता हूँ, ये पावर फैक्टर का कोई भी यूनिट नहीं होता है, यानी कि ये यूनिट लेस है। अब पावर फैक्टर 0.85 मिल गया है, हमारे पास किलोवाट का भी डेटा है 5200। अब ये पावर फैक्टर और किलोवाट का वैल्यू जब हम लोग पुट करेंगे तो हमारे पास जो केवीए का वैल्यू निकलेगा वो 7117 केवीए। यानी कि हमें जो ट्रांसफार्मर इंस्टॉल्ड करना है उस ट्रांसफार्मर का रेटिंग जो है 6117 केवीए से ऊपर होना चाहिए। तो गाइस, मेरे प्लांट में मैं अगर बात करूँ तो 7500 केवीए का जो है ट्रांसफार्मर लगा है। अब आप बोलोगे कि इतना हायर रेंज का क्यों, तो गाइस तो प्लांट्स होते हैं कि जो है डे बाय डे जो है मॉडिफिकेशन किया जाता है। तो मॉडिफिकेशन के दौरान क्या होता है, बहुत सारे लोड जो है इसमें ऐड होते जाते हैं। हर एक प्लांट में क्या किया जाता है कि कुछ हायर रेंज का जो है ट्रांसफार्मर का रेटिंग लिया जाता है, जिससे ये एडवांटेज होता है कि हमें टाइम टू टाइम जो है ये ट्रांसफार्मर को चेंज करना नहीं पड़ेगा। और टाइम टू टाइम अगर ट्रांसफार्मर आप चेंज करते हैं आपके लोड के हिसाब से तो उसमें बहुत ज़्यादा इकोनॉमी के तरफ से जो है बहुत लॉस होता है, इसलिए ये ट्रांसफार्मर का रेटिंग हमेशा ज़्यादा लिया जाता है। तो गाइस, हमारे पास जो केवी हमने निकाला वो आया 6117 केवी है, हमारे प्लांट में जो ट्रांसफार्मर लगा है वो है 7500 केवी का। तो गाइस, मैंने आपको बताया किस तरह से ट्रांसफार्मर का सिलेक्शन किया जाता है इंडस्ट्रीज के लिए।
तो गाइस अगर आपको मेरे बताने का टेक्निक पसंद आ रहा है और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियो है उसकी अपडेट आपके तक बहुत आसानी से पहुंच जाए। और गाइस हो सके तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, उस पर बहुत सारे ऐसे पोस्ट मिलेंगे जो कि आपके बहुत काम में आने वाला है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। We'll be right back.